नमस्कार दोस्तों, मैं अंचल गोड़िया आज आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ और मैं जंगल में निकल चुका हूँ। आप सब ठीक होंगे और आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो दोस्तों चलो आज हम आपको दिखाएंगे जंगल में किस प्रकार की सब्ज़ी मिलती है और क्या क्या सब्ज़ी मिलती है यहाँ पर। आज मैं आपको वो पूरा व्यू दिखाऊँगा यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर हमारे जंगल में सब्ज़ी होती है और किस तरह की यहाँ पे तैयार की जाती है उसको। तो आप हमारी वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। तो आप चलो अब चलते हैं। तो दोस्तों हमने शुरू कर दिया है आपको दिखाना अब यहाँ पे इस तरह की सब्ज़ी मिलती है। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखना और स्किप थोड़ा भी मत कीजिएगा। तो हम पूरा वो तरीका दिखाएँगे आपको कि इस तरह की यहाँ पे सब्ज़ी कैसे तोड़ते हैं और किस तरह से लेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो इस तरह से हम सब्ज़ी को करेंगे काम। तो ये हमारी जो सब्ज़ी होती है इसको कसोल बोलते हैं। तो अपने हम इस देसी भाषा में, सराजी भाषा में इसको हम डिड भी बोलते हैं। और इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और ये आज का प्रोग्राम हमारा सर्दियों के लिए है क्योंकि आज ये हम नहीं खाते हैं इसको, आगे सर्दियों में यूज़ करते हैं हम इसको। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगता है ये सब्ज़ी का, अगर आपके पास दूसरा कोई नेम है इसका या नाम है कोई भी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये किस तरह से आपको लगता है। तो इस तरह से इसको तोड़ना होता है। ये जंगलों में होती है, हमारे सराजी एरिए में होती है और कहीं भी ये नहीं होती है। यहाँ उत्तराखंड के पहाड़ों में मिलेंगी आपको ये। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत गहरा जंगल है और बहुत ऊंचाई पहाड़ी पे हैं हम। तो इस वक्त बहुत कश्मकश कर रहे हैं यहाँ पे हम, आप देख रहे होंगे। इस तरह से यहाँ पे जंगल है और डेंजरस एरिया है यहाँ पे। तो हमने इस वक्त सुबह सुबह निकल आया हूँ क्योंकि दिन को बहुत धूप होती है। दूसरी चीज़ भी आपको रखा होंगे तो इसके लिए और उसको दवाई को इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसको कोई अगर प्रॉब्लम होगी स्किन पे तो उस पर यह इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों मैं हर एक कोशिश करता हूँ आपको वीडियो दिखाने की, हर एक चीज़ की मैं कोशिश करता हूँ कि आप वीडियो देखोगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, 3 घंटे लगते हैं हमें वीडियो बनाने में, बहुत टाइम लगता है इतने पहाड़ियों पे जाने के लिए। देखो किस तरह की पहाड़ी है यहाँ पे, यहाँ से आदमी अगर घिरेगा तो मुश्किल से बचेगा। तो यहाँ पे ऊपर से रोड है, ऊपर ये देखो कितना डेंजरस एरिया है यहाँ पर। तो किस तरह से ऊपर यहाँ पे हम चलते हैं क्योंकि ऐसा भी आपको कोई भी नहीं दिखा पाएगा यहाँ पे, इतना डेंजरस एरिया है। आप देखते होंगे किस तरह से यहाँ पे पस्ती आई है, तरह से रोड है, देखिए बहुत शानदार मौजा है यहाँ पे, इतना हरा हरा सुंदर। तो देखो आपने ये कसोल देखी होगी, इसको हम अपनी भाषा में डेड बोलते हैं। और वीडियो तो इतनी खास बनी नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो ये कसोल बोलते हैं इसको। दोस्तों नाला भी यहाँ पे चलता है, नाले का भी दर्शन कर लो आप, इतना सुंदर दृश्य है यहाँ पे। ये देखिए आगे देखिए बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ पे। फाइनली हम निकल चुके हैं अपने थैले में ये ढाल के, आप ये देख सकते हो ठेला, इसमें हमने ये कसोल चुन के निकल चुके हैं फाइनली नीचे के लिए। तो आगे आगे हम आपको पूरा वो व्यू दिखाएंगे किस तरह से आगे सफ़र करना है नीचे। तो बने रहिए, अब आ चुके हैं नीचे हम, यहाँ पे दिखाएंगे नाला और नाले के अंदर ये गुफा है यहाँ। ये देखिए कितना यहाँ पे पत्थर है इतना बड़ा कि यहाँ से बहुत टफ है निकलना, इतना जंगल है यहाँ पे गहरा। मैं आपको ऊपर का सीन दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों नाले में पहुँच आए हम, तो अब नाले का दर्शन भी करवा लेते हैं हम आपको कि किस तरह का नाला यहाँ पे चलता है और
बहुत नॉर्मल नाला है यहाँ पे, ज़्यादा नाला खतरे की बात नहीं है। बहुत बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पे नाला, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है ऐसी। तो यहाँ पे भी देख लो आप, ये भी गुफा है, यहाँ पे भी दर्शन कर लीजिए आप। धूप भी आ रही है अब नज़दीक हमारे, तो हम फाइनली अब रास्ते में पहुँच चुके हैं। अब वो आपको पूरा वो दिखाएंगे रास्ते में किस तरह से यहाँ पे हमारा सफ़र तय होगा आगे आगे। देखते रहो, हमें बहुत टाइम लगेगा, आप देखते रहो किस तरह से सफ़र कर रहे हैं। पास में जाना है हमने, तो हमारा गांव है, तो चलो इस वक्त आगे आ रहे हैं। रास्ता आपको दिख रहा होगा किस तरह का रास्ता है ये, तो पास में हमारा गांव है। कल की वीडियो बनाई थी हमने इसी जगह पर, तो आज लेकिन कल की वीडियो हमारी उसमें हमने ये नहीं बोला था कि रोड किस तरह से चलते हैं, किस तरह से इसको लेते हैं। आज हमने जो वीडियो बना रहे हैं इसका मतलब यही है कि रोड नहीं डाल देंगे। चाहे हम नाले में इस वक्त आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पानी चल रहा है, इतना अच्छा पानी चल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से चल रहा है। और और हिमाचल कोरिया मेरा चैनल नेम का है, उसको सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।